शंभाला या फिर शंग्रीला, ये नाम तो आपने सुना ही होगा अगर आप मार्वल्स के बहुत बड़े फैन हो। इसका जिक्र 2016 में आई हुई मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज में भी किया गया था। बट क्या आपको पता है कि शंभाला क्या है और कहाँ है? तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। शंभाला एक एंशियंट मिस्टिकल महानगरी है जिसे 8 पेटल लोटस के शेप में बनाया गया था। शंभाला शब्द को संस्कृत वर्ड शंभू से लिया गया था जिसका मतलब अमन और शांति है। और इसके बारे में एंशियंट स्क्रिप्चर्स जैसे कि काला चक्र तंत्र और जांगजूम कल्चर, यहाँ तक कि हमारे विष्णु पुराण में भी इसकी उल्लेख है। विष्णु पुराण के मुताबिक भगवान विष्णु के 10वें अवतार कल्कि का भी जन्म यहीं शंभाला में ही होगा, जो कि विष्णु यशश और सुमति से जन्म लेंगे। और उनका विवाह राजकुमारी वैष्णवी से होगा, जो राजा भद्रता जो कि सिम्हला से है, जिसे मॉडर्न टाइम श्रीलंका भी कहा जाता है। कहा जाता है कि शंभाला में टाइम थम जाता है और यहाँ के लोग इमॉर्टल हैं। अब इससे पहले कि आप लोग इसे झूठ ठहराए, तो टाइम डायलेशन के कॉन्सेप्ट को पहले समझ ले, और उसके लिए नीचे दिए हुए लिंक्स को आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो नाउ लेट्स गेट बैक टू द टॉपिक। तो ये माना जाता है कि यहाँ जाने के लिए आपका हार्ट, माइंड एंड सोल प्योर होना चाहिए, और यहाँ रहने वाले लोग दुनिया के सारे कष्ट और पीड़ा से मुक्त है, और इसलिए इसे अ लैंड ऑफ 1000 लेक्स भी कहा जाता है। बट मोस्ट पॉपुलर नाम शंभाला, शंग्रीला, आर्यावर्त और ज्ञानगंज है। पर अब सवाल ये है कि ये शंभाला है कहाँ? तो हजारों सालों से लोगों ने इसे खोजने की कोशिश करी, और कई लोगों का दावा है कि वो यहाँ पे जा चुके हैं, बट समहाउ उन्हें लोकेशन याद नहीं। बट मैप में आपको इसकी कोई फिजिकल लोकेशन नहीं मिलेगी। जैंगजूम टेक्स्ट के अकॉर्डिंग ये सतलज वैली में है, जो कि हिमाचल में आता है। मंगोलियंस और टिबेटियन का कहना है कि ये साउथ साइबेरिया में कहीं माउंट बेलुका के पास स्थित है, और हिंदुओं के अकॉर्डिंग तो ये भी माना जाता है कि वो माउंट कैलाश के अंदर कहीं पे है। खैर, कैलाश पर्वत के मिस्ट्री के ऊपर आगे आने वाले वीडियोस में विस्तार से कहीं सारी बातें जरूर करेंगे। तो इसलिए अगर आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव लग रही हो, तो इस चैनल को जाके जल्दी से सब्सक्राइब कर ले, ताकि ऐसे ही माइंड बॉगलिंग मिस्ट्रीज और थ्योरीज के बारे में आपका ज्ञान बढ़ता रहे। एंड नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। तो एक थ्योरी का मानना ये भी है कि शंभाला का एंट्रेंस टिबेट में कहीं रिमोट एंड अबैंडन मॉनेस्ट्री में है, जो सब लोगों के नजरों से हिडन एक रहस्यमय स्थान पे है, और जिसे दुनिया के माया से छुपा रखा है। और इसी स्थान को रहस्यमय क्रीचर्स प्रोटेक्ट कर रहे हैं, जिन्हें शंभाला गार्डियंस भी कहते हैं। और ये भी कहा जाता है जब घोर कलयुग अपने चरण सीमा में होगा और भगवान का नाम मनुष्यों के दिलो दिमाग से पूरी तरीके से मिट जाएगा, बस उसी समय शंभाला का द्वार खुलेगा, और उस समय भगवान के 10वें अवतार कल्कि और कलि का युद्ध होगा। माना जाता है कि कलि रावण से भी 1000 गुना शक्तिशाली और पराक्रमी होगा, और कलि को सारी दुनिया भगवान की तरह पूजेगी, और कल्कि अवतार को सब लोग गलत समझेंगे। फिर कल्कि अवतार सिर्फ 3 दिनों में बुराई का नाश करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे। उसके बाद कल्कि अवतार 1000 साल तक धरती पे राज करेंगे, और उसके बाद सतयुग आएगा। तो देखो दोस्तों, हम लोग ऑलरेडी कलयुग में हैं, और हमारे पाप दिन पे दिन बढ़ते जा रहे हैं, जहाँ पे झूठ बोलना, घूसखोरी करना, चोरी चकारी करना बड़ा ही कॉमन हो गया है। तो इतना सारा पाप लेके हम ऐसे पवित्र स्थान को कैसे ढूंढ पाएंगे? तो अगर आपको शंभाला ढूंढना ही है, तो अपने अंतर मन में ढूंढे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ, तो फिर धन्यवाद। इस वीडियो को आप तक पहुँचाने में बहुत मेहनत लगी थी, तो प्लीज आप भी इसे बहुत सारा प्यार दीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, ताकि हम ऐसे ही वीडियो से लोगों की जिंदगी में पॉजिटिविटी फैला सके। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते जी, दिस इज विश, एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।